दुर्ग पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं वे इससे पहले बहुत से महत्वपूर्ण पदों में रहकर अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कर शहर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाने के उद्देश्य को लेकर भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने दुर्ग जिले की कमान वर्ष 2007 बैच के आईपीएस अफसर राम गोपाल गर्ग को सौंपी है। उन्होंने दुर्ग एसपी कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया और सभी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखी। देखिए, आज मैंने जिला दुर्ग में बतौर पुलिस अधीक्षक चार्ज लिया है शासन और चुनाव आयोग के आदेश मुताबिक। तो अभी हमने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग ली है, जिसमें उनसे सामान्य उनकी इंट्रोडक्शन और उनके क्षेत्र में क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके संबंध में जानकारी देने की कोशिश की है। और एक हमने शाम को थाना प्रभारियों की भी बैठक रखी है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं चुनाव में उसको समझने की, फिर उसके क्या क्या उपाय जो भी वैधानिक पॉसिबल हैं और जो भी हमसे अपेक्षा की जा रही है शांतिपूर्वक निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए, तो सभी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव में तो अभी जैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो उसका जो पुराने आंकड़े हैं, जो जो जिले के आंकड़े हैं, कितने बल की आवश्यकता है, वो पूरा स्टडी करके जो भी आवश्यकता होगी पुलिस मुख्यालय से हम रखेंगे और सफिशेंट बल हमें प्रदाय किए जाने का हमें उम्मीद है। और हमारी बस वही कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न। बिल्कुल, हमारा सभी स्पेशली जिला दुर्ग के निवासियों से और ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे, युवा वर्ग से खासकर, हमारा अनुरोध यही रहता है हमेशा कि आगे बढ़कर वोटिंग करें। ठीक है, जो भी उनके प्रत्याशी जो उनको पसंद हैं, जो उनको लगता है कि उनके लिए कार्य करेंगे। और हमारी ये जिम्मेदारी दायित्व है कि वो बिना किसी डर के या बिना किसी भी भय के अपना मतदान कर सकें और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो, यही हमारी कोशिश रहेगी और यही हमारा दायित्व है। नहीं देखिए, हमारे निष्पक्ष चुनाव हो, तो उस संबंध में जो भी पुलिस की ओर से सुरक्षा संबंधी जो उम्मीद है कि कैसे चुनाव को संपन्न कराना है, ताकि चुनाव के प्रचार में भी किसी को कोई समस्या ना आए और लोगों को भी मतदान करने में समस्या ना आए, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।